श्री गणेशाय नमो नमः। मित्रों, अनोखा संगम पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विषय में। आज के पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण की विस्तृत जानकारी के साथ साथ आज का शुभ समय अभिजीत मुहूर्त, अशुभ समय राहु काल, आज के दिन और रात का चौघड़िया और आने वाले दिनों के व्रत और त्योहारों के बारे में पूरी पूरी जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं आज का शुभ पंचांग। पंचांग से पहले आज का सुविचार। आज के परिणाम अतीत के कर्मों से तय होते हैं। अपने भविष्य को बदलने के लिए आज के फैसले को बदलें और अच्छे कार्य करें। यदि आज अच्छे कार्य करेंगे तो निश्चित तौर से भविष्य आपका बहुत ही उज्जवल होने वाला है। आज की तारीख 6 सितंबर 2021, आज का वार सोमवार। आज भाद्रपद माह का 14वां दिवस है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी 7:38 सुबह तक रहने वाली है। तदुपरांत अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 6 सितंबर 2021 को सूर्योदय का समय रहेगा 6:02 सुबह। सूर्यास्त का समय होगा 6:37 शाम को। मित्रों, आज चंद्रोदय नहीं होगा और चंद्रास्त का समय रहेगा 6:33 शाम को। आज का नक्षत्र मघा 5:52 शाम तक रहने वाला है। इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आइए जानते हैं मघा नक्षत्र के बारे में। जिन व्यक्तियों के नाम अक्षर मा, मी, मू और मेष शुरू होते हैं, वे लोग मघा नक्षत्र के होते हैं। इनकी राशि होती है सिंह। राशि स्वामी सूर्य। तत्व की बात करें तो अग्नि तत्व से संबंध रखते हैं। गण इनका रहता है राक्षस का। नाड़ी अंत्य, नक्षत्र देवता पितृ और स्वभाव से उग्र माने जाते हैं। आज की सूर्य राशि है सिंह। आज की चंद्र राशि भी है सिंह। आज का पहला कर्ण शकुनी 7:38 सुबह तक रहेगा। आज का दूसरा कर्ण चतुष्पद 7:03 शाम तक रहने वाला है। आइए जानते हैं शकुनी और चतुष्पद कर्ण के बारे में। शकुनी कर्ण में जन्मा जातक कुशल वक्ता और कामकाज में योग्य होता है। व्यक्ति अपने काम को करने पर युक्तियों का उपयोग भी करता है। मेहनत से अधिक बौद्धिकता से काम लेने की कोशिश ज्यादा करता है। इस कर्ण में जन्मा जातक अपने काम से प्रख्यात होता है। व्यक्ति को अपने मन के अनुरूप काम करने की इच्छा अधिक रहती है। व्यक्ति में झूठ बोले और चालबाजियों को करने में भी आगे रह सकता है। बोलचाल में वह अति कुशल होता है। मनोविज्ञान को समझने वाला होता है। अपने काम को दूसरों से करवाने में कुशल होता है। व्यक्ति व्यवहार कुशल होता है। कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों के साथ जल्दी ही मेलजोल बना सकता है। अपनी बोलचाल और व्यवहार कुशलता से लोगों को आकर्षित करके अपना संगठन भी बना सकता है। आइए जानते हैं चतुष्पद कर्ण के बारे में। इस कर्ण में जन्म लेने वाले व्यक्ति धार्मिक आस्था से युक्त होते हैं। उसे धर्म कर्म में विशेष रुचि होती है। वह देवता और शिक्षक जनों का सम्मान करने वाला होता है और अपने वरिष्ठ जनों के अनुभव से लाभ उठाने का प्रयास करता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में वाहनों का सुख प्राप्त होता है। एक से अधिक वाहन वह प्राप्त करता है। चतुष्पद कर्ण में जन्म लेने वाले लोग शुभ संस्कारों से युक्त और धर्म कर्म आदि के प्रति आस्थावान देखे जाते हैं। शास्त्रों के अच्छे जानकार होते हैं। चीजों के प्रति तर्क को महत्व भी देते हैं। अपने ज्ञान को दूसरों तक देने की कोशिश भी करते हैं। रचनात्मक और कलात्मक गुणों से ऐसे लोग युक्त होते हैं। अपनों से बड़ों की जानकारी ग्रहण करने से पीछे नहीं हटते। भाग्य का साथ इन्हें सदा ही मिलता रहता है। चौपाया पशुओं से जातक को लाभ मिलता है। आने वाली महत्वपूर्ण तिथियों में 6 तारीख को दर्श अमावस्या अन्वाधान पिठोरी अमावस्या होगी। 7 तारीख को भाद्रपद अमावस्या इष्टी होगी और 8 तारीख को चंद्र दर्शन होने वाले हैं। आज का योग शिव 6:55 सुबह तक रहेगा।
इसके बाद सिद्ध योग का समय 4:49 अगले दिन सुबह तक रहने वाला है। मित्रों आज पूर्व दिशा में दिशाशूल है। यदि आपको आवश्यक रूप से पूर्व दिशा की ओर यात्रा करनी है तो दर्पण देख करके, दूध पी करके अथवा पुष्प खा करके प्रस्थान कर सकते हैं। ऐसा करने से दिशाशूल का प्रभाव तो कम होगा ही होगा और यात्रा भी सुखद हो सकती है। आइए जानते हैं शिव योग के बारे में। शिव का अर्थ होता है शुभ। यह योग बहुत ही शुभदायक है। इस योग में किए गए कार्य सभी मंत्र शुभ फलदायक होते हैं। इस योग में यदि प्रभु का नाम लिया जाए तो अवश्य ही सफलता मिलती है। आज का शुभ समय, आज का अभिजीत मुहूर्त 11:54 सुबह से 12:45 दोपहर तक रहने वाला है। विजय मुहूर्त का समय 2:26 दोपहर से 3:16 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 4:30 सुबह से 5:16 सुबह तक ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है। आज के शुभ समय में अमृत कालम 3:29 दोपहर से 5:04 शाम तक रहेगा। आज का अशुभ समय, आज का राहु काल 7:36 सुबह से 9:10 सुबह तक रहने वाला है। यमगंड काल का समय 10:45 सुबह से 12:19 दोपहर तक रहेगा। इन दोनों ही समय में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य शुरू ना करें। मित्रों किसी काम को शुरू करने से पहले दिन का चौघड़िया अवश्य ही देखना चाहिए। ऐसा करने से कार्य में सफलता अवश्य ही मिलती है। तो आइए देखते हैं 6 सितंबर का दिन का चौघड़िया कैसा रहेगा। अमृत समय 6:01 सुबह से 7:34 सुबह तक रहने वाला है। शुभ समय 9:10 सुबह से 10:44 सुबह तक रहेगा। चर समय अर्थात सामान्य समय 1:55 दोपहर से 3:29 दोपहर तक रहने वाला है। लाभ समय 3:29 दोपहर से 5:02 शाम तक रहेगा। अमृत काल की बात करें तो 5:02 शाम से 6:36 शाम तक अमृत काल का समय रहेगा। इसी प्रकार रात के चौघड़िये में चर समय 6:36 शाम से 8:04 तक रहेगा। लाभ समय 10:55 रात्रि से 12:19 मध्य रात्रि तक रहेगा। शुभ समय की बात करें तो 1:45 अगले दिन सुबह से 3:10 तक रहने वाला है। अमृत काल का समय 3:10 अगले दिन सुबह से 4:34 तक रहेगा। चर समय की बात करें तो 4:34 से 6:01 अगले दिन सुबह तक चर समय रहने वाला है। मित्रों ये था आज का शुभ पंचांग। आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें अनोखा संगम का चैनल और इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।